लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। डॉक्टरों को यूं ही नहीं भगवान का दर्जा दिया गया है। अपने पेशे से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो दिल्ली में गरीब और बेसहारों का न केवल फ्री में इलाज कर रहे हैं बल्कि उन्हें खाने पीने की चीजें भी उपलब्ध कराते हैं। शीश गंज गुरुद्वारा के सामने लगने वाले फुटपाथ क्लिनिक में हर रोज न जाने कितने गरीब और मजदूरों के घावों पर मरहम लगाए जाते हैं। वे पिछले 25 सालों से दिल्ली में 7 अलग अलग जगहों पर फुटपाथ क्लिनिक की सेवाएं मुफ्त देते हैं। कमलजीत ने अब तक उन्होंने लगभग 10 लाख लोगों का इलाज किया होगा। जहाँ भी अस्पताल लगता है वहाँ मरीज सुबह 7 बजे से ही पहुँचना शुरू कर देते हैं। कमलजीत सिंह सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। वे बताते हैं कि उनके पिता त्रिलोचन सिंह वीर ने उन्हें लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता ने ही 1989 में इस क्लिनिक की शुरुआत की थी जिसे कमलजीत न केवल आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उसका विस्तार भी कर रहे हैं। उनकी टीम में अभी इस वक्त लगभग 500 वॉलंटियर हैं जो हमेशा उनका सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। कमलजीत ने बताया कि चांदनी चौक के इलाके में कोई भी गरीब या बेसहारा बीमार या चोटिल होता है तो रिक्शा वाले उसे यहाँ इलाज के लिए छोड़ जाते हैं। उसके बाद हम उन्हें सबसे पहले प्राथमिक उपचार देते हैं। उन्हें इंजेक्शन और दवाइयाँ भी दी जाती हैं। आप उस तरह पर है। कमलजीत की टीम में 4 एलोपैथी और 2 होम्योपैथी डॉक्टर हैं। वे मरीजों को दवा देते हैं। इन डॉक्टरों के खुद के क्लिनिक भी हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो किसी अस्पताल में नौकरी करते हैं। सुबह इन मरीजों को देखने के बाद ये डॉक्टर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं।